मध्य प्रदेश विधानसभा में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर भोपाल से दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है। मेल मुलाकात का दौर भी शुरू हो गया है। इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं ना तो कभी दावेदार था और ना ही आज हूँ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बंपर जीत हासिल की है, इसके बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस सवाल पर चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है। शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम भी चर्चा में आ गए हैं। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि मैं न कभी मुख्यमंत्री पद का दावेदार था और न ही आज हूँ।